के रण में उतरे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में मरवाही को कांग्रेस का गढ़ बताते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ है। रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस की जीत का विश्वास जताते हुए सीएम बघेल ने कहा कि भाजपा और जोगी पहले भी साथ रहे हैं, इसके बाद अंतागढ़ उपचुनाव में दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के 15 साल पर हमारे 22 महीने भारी हैं। 22 महीने में हमने 36 में से 23 वादे पूरे किए हैं और अब गोरेला पेंड्रा मरवाही को सबसे विकसित जिला बनाएंगे। सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता वैभव पांडे ने। लगातार जो है तूफानी प्रचार कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले दो दिनों से यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और लगातार वो चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मरवाही कितना टफ है? देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। चाहे वो वार्ड का चुनाव वो सबसे कठिन होता है और विधानसभा के चुनाव भी चुनौतीपूर्ण होता है। हम कभी किसी प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं मानते और इसलिए इसकी पूरी शिद्दत के साथ ये लड़ाई हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और कल आपने जो है जोगी के गांव जोगीसार में सभा को संबोधित किया तो हमने देखा कि जोगी के गांव में भूपेश बघेल के नाम जो है गूंज रहे थे। भूपेश पर भरोसा है, ये पोस्टर भी वहां पे दिखाई दिया। देखिए, जो हम लोगों ने काम किया है, जो विश्वास जीता है, जो लोगों से वादा हमने किया था उसे हमने पूरा किया। चाहे वो ऋण माफी का मामला हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो तेंदू पत्ता खरीदी की बात हो, चाहे बिजली बिल आधा करने की बात हो, चाहे 35 किलो चावल देने की बात हो। और संकट के समय में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमेशा खड़ी रही है। कुछ इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं इस माहौल में। मैंने देखा कि कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी जो है अमित जोगी को साधने की कोशिश कर रहा है, कुछ प्रलोभन भी दिया जा रहा है। इस तरह की बातें आपके कार्यकर्ताओं के बीच में है क्या? देखिए, ये बात तो उनके बीच में ये संबंध रहा है। ए और बी टीम के रूप में काम करते रहे हैं। अंतागढ़ में क्या हुआ वो सबने देखा है। तो इनके बीच तो जो अंडर टेबल इनके जो लेन देन है ये पहले भी होता रहा है, वो सब पूरी छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। यहाँ जो हमारे पत्रकारिता के शिखर पुरुष हैं, पहला जिनकी लेखनी चली उनकी एक कर्मभूमि रही है और उसके पर यदि ऐतिहासिक देखें, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ वो शैल मिलेगा, यहाँ वो ज्वालामुखी के चिन्ह मिलेंगे। तो यदि उस प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। रिजल्ट आएंगे उसमें वो सारे जो है रिकॉर्ड टूट जाएंगे जो अब तक मरवाही में बनते रहे हैं। कैमरामैन रेखाम के साथ वैभव सिंह पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, मरवाही। कांग्रेस ने बीजेपी और अमित